नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। रोज बन रहे पेट्रोल डीजल के नए रिकॉर्ड। कोरोना महामारी ने जहां लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ कर रख दी है, वहीं लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। 1 फरवरी को बजट में नया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस की घोषणा के बाद से लेकर अब तक पेट्रोल 3.75% और डीजल 4.5% तक महंगा हुआ है। बढ़ती महंगाई को लेकर आक्रोश लोगों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जामताड़ा में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में जिला कमेटी CPIM के द्वारा मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। में बैठने के पहले वचन दिया था कि अगर हम गद्दी पर बैठेंगे पेट्रोलियम डीजल का दाम घटाएंगे, लेकिन मोदी सरकार गद्दी में बैठने के बाद से महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की, आज डीजल की कीमत 90 रुपया, पेट्रोल की कीमत 90 से पार हो गया, जिसके चलते महंगाई बेशुमार बढ़ रही है। मोदी सरकार एक जुमलेबाज सरकार है और रसोई गैस का दाम बढ़ जाने के कारण घर की महिलाएं त्रस्त हैं। डीजल पेट्रोलियम उत्पाद के दाम बढ़ने के कारण आवाजाही में जो खर्चा होती है उसकी किराया वृद्धि होगी, चाहे प्लेन में हो, बस में हो, ऑटो में हो, टेम्पो में हो, सारे लोगों की आम लोगों की जनजीवन से प्रभावित होगा। इसीलिए CPIM जिला कमेटी जामताड़ा ने आज इस केंद्र सरकार की पेट्रोलियम पदार्थों पर जो शुल्क दिया गया है, कॉरपोरेटों के छूट दे करके जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने पुतला दहन किया और विरोध सभा किया। जीएन भारत ने इस लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम पर लोगों से बातचीत की, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं जीएन भारत से दिव्या रानी की ये रिपोर्ट। मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। फिलहाल हम रांची के पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, जहां दिन ब दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रही हैं। तो आइए जानते हैं कि आम जनता का इसमें क्या कहना है। जिस प्रकार दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है सर, तो आप बहुत तरह चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। कच्चा तेल का भी रेट बढ़ रहा है, सरसों तेल, रिफाइन तेल, बहुत तरह का तेल, चावल का रेट, बहुत तरह का रेट बढ़ रहा है। हम लोग को परेशानी हो रही है। हम लोग कोई बड़ा पूंजी वाला आदमी नहीं है, छोटा पूंजी है। पहले हम लोग टेम्पो में लाते थे, अब स्कूटी में जाके लाते हैं, परेशानी से माल ला रहे हैं, समझे ना। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार को क्या कहना चाहते हैं, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है उसको? सरकार को ये कहना चाहते हैं, सरकार भी जिए और हम भी जिए, जियो और जीने दो। ऐसा है कि पेट्रोल का रेट जितना हाई हुआ है, पेट्रोल का कीमत कम होना चाहिए, डीजल की कीमत कम होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट के में का रेट कम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट में जो आने जाने वाला माल है उसका रेट जो है ना बहुत ज़्यादा है, समझे ना। गरीब को बहुत दिक्कत हो रहा है, रोज़ कमाने खाने वाले लोगों को दिक्कत हो रहा है। आपको सर क्या लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है या फिर मोदी सरकार है, तो आप महंगाई को लेके आपका ओपिनियन क्या होना चाहिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाह रहा था कि सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस हो या BJP हो या अन्य कोई पार्टी आए, बात यह है कि जनता को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर हम किसी पार्टी को वोट देते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके बदले में वो महंगाई कम करे, रोज़गार दे, बेरोज़गारी दर को कम करे। आपने GDP देखा कितना माइनस में चला गया था, और उसके बाद अभी हम लोग उससे उभर भी नहीं पाए थे कि पेट्रोल का दाम आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अभी फरवरी में लगभग 11 बार इसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आया है, तो हम वोट क्यों देते हैं? हम वोट इसलिए देते हैं कि आप जनता को उससे कुछ फ़ायदा हो। हमें सरकार से एक उम्मीद होती है कि चलिए हम आपको वोट दे रहे हैं तो हमें आप कुछ उसका बेनिफिट देंगे, आप कुछ बैक करेंगे, तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ता चला जा रहा है। फिर देखिए, पेट्रोल का डीजल का दाम अगर बढ़ेगा तो सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे, और बहुत से गुड्स आते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस होता है, तो उसमें भी दाम बढ़ेंगे हर चीज़ के। हमारे बाप सरकार से यही उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पेट्रोल का दाम कुछ कम कर दे, अच्छे दिन हम लोगों को देखने को मिले, क्योंकि तरस गए हैं सरकार। बस धन्यवाद। आपने देखा कि आम जनता किस तरह परेशान है तेल की बढ़ती कीमतों से, तो क्या लगता है आपको कि सरकार इस चीज पे प्रकाश डालेगी? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।